नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सिटी वेब में आपका स्वागत है। मैं शिवानी शर्मा लेकर आई हूँ आपके लिए सहारनपुर की कुछ खास खबरें हेडलाइंस के साथ। खलासी लाइन स्थित गुरुद्वारा में आयोजित हुआ महान शहीदी समागम। दस्तक एजुकेशन की ओर से मदरसा सरदीदार में की गई मुक्त आंखों की जांच। प्रशासन एकादश ने व्यापार मंडल को चुटाई धूल। भारतीय किसान मजदूर मंच की ओर से गरीबों को वितरित किए गए कंबल। अंबेडकर स्टेडियम में मंडल स्तरीय एथलेटिक्स ट्रायल में खिलाड़ियों ने बहाया पसीना। अज्ञात शव मिलने से मची सनसनी। मीडिया कार्यशाला में महिलाओं पर बढ़ती हिंसा पर हुई चर्चा। शराबी युवक ने पुलिस कर्मियों के सामने जमकर किया हंगामा। कड़ाके की ठंड में दोपहर बाद निकले सूर्य ने दी गर्माहट। हेडलाइंस के बाद आइए नजर डालते हैं सहारनपुर के कुछ खास समाचारों पर विस्तार से। खलासी लाइन स्थित गुरुद्वारों में आयोजित हुआ महान शहीदी समागम, साहिबजादों को किया याद। खलासी लाइन स्थित उत्तर रेलवे पंचायती गुरुद्वारा में महान शहीदी समागम का आयोजन किया गया। माता गुजर कौर और चार साहिबजादों की याद में मनाए गए शहीदी समागम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस मौके पर बाहर से आए रागी जत्थों ने गुरु बाणी का गुणगान किया और शहीदी साहिबजादों की कुर्बानियों के बारे में बताया। इस दौरान गुरु का अटूट लंगर भी आयोजित किया गया। मनदीप सिंह, ये शहीदी के लिए करा जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी हमारे गुरु थे, उनके चार साहबजादे थे, चार बच्चे थे, उन चारों की शहीदी के लिए यहाँ पे वो करा जा रहा है। दो बच्चे उसके नींव में चिना दिए गए थे और दो बच्चों को जंग में शहीदी प्राप्त हुई थी। तो ये सारे हम इकट्ठे हुए हैं लोगों को संदेश देने के लिए कि ये गुरु साहब ने अपना और अपने बच्चों का पूरा परिवार वार दिया था लोगों का धर्म को बचाने के लिए और हमें बचाने के लिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं एमपी सिंह चावला, प्रवक्ता खलासी लाइन गुरुद्वारा। आज हम गुरु गोविंद सिंह जी की मात गुज्जर जी और उनके चारों सुपुत्रों का शहीदी पर्व मना रहे हैं। हर वर्ष यहाँ पर ये शहीदी पर्व मनाया जाता है ताकि हमारे समाज के लोगों को इतिहास का पता लगे। दस्तक एजुकेशन की ओर से मदरसा सरदीदार में की गई मुक्त आंखों की जांच। मदरसा सरदीदार पटेल अरबी फारसी में दस्तक एजुकेशनल की ओर से विजन स्प्रिंग संस्था द्वारा आंखों की मुक्त जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉक्टर संजीव सिंह के कुशल नेतृत्व में सुहेल व अंकित कुमार के सहयोग से मरीजों की आंखें चेक की गई और परामर्श भी दिया गया। शिविर में 200 लोगों का चेकअप किया गया। आज हमारे मदरसा सरदीदार पटेल में दस्तक एजुकेशनल की तरफ से एक निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों और क्षेत्रवासियों की फ्री आंखों का टेस्ट हुआ है और चश्मे भी वितरित किए गए। इसमें लगभग 200 लोगों का अभी तक टेस्ट हो चुका है। अभी जो है शिविर चल रहा है और बच्चों के साथ में आंखों की प्रॉब्लम और क्षेत्रवासियों के साथ में, तो इसको देखते हुए दस्तक एजुकेशनल ने एक शिविर का आयोजन कराया। प्रशासन एकादश ने व्यापार मंडल को चटाई धूल। दाबकी रोड स्थित रॉयल एकेडमी में प्रशासन व पश्चिमी संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के बीच मैत्री क्रिकेट मैच खेला गया। पहले टॉस जीतकर प्रशासन की टीम ने बैटिंग करने का निर्णय लिया। पहले खेलते हुए प्रशासन के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए व्यापार मंडल की टीम को 236 रन का टारगेट दिया। 237 रनों का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरी व्यापार मंडल की पूरी टीम 196 रन पर ही सिमट गई। जी, जो और शर्मा जी ने जो ओपनिंग दी थी उससे एक बार प्रशासन की टीम को थोड़ा सा झटका लगा। 7 ओवर में हमारे 70 रन थे 3 विकेट पर और इनके 85 रन थे बिना किसी विकेट खोए, लेकिन उसके बाद हमारे बॉलरों ने जबरदस्त मेहनत की और जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कमबैक किया और एक ओवर का ग्रेस मार्क भी दिया गया। उसके बाद भी गोयल साहब जीत नहीं पाए, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी बैटिंग और अल्टीमेटली बहुत बहुत धन्यवाद कॉर्पोरेशन के प्रथम नागरिक और व्यापार एसोसिएशन के टीम के मेंबर। मंडल भारतीय किसान मजदूर संघ की ओर से गरीबों को वितरित किए गए कंबल। हकीकत नगर कैंप कार्यालय पर प्रगतिशील समाजवादी नेता किसान मजदूर मंच के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नीरपाल सिंह ने कार्यालय पर गरीब महिलाओं को कंबल बांटे। इस मौके पर चौधरी नीरपाल सिंह ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, सभी संगठनों को भेदभाव भुलाकर भाईचारे का पैगाम देना चाहिए। आज हमारा कार्यक्रम यह है कि पूरा भारत
ठंड के प्रकोप से ठिठुर रहा है, और ऐसे में मैं सभी राजनीतिक दलों से, सामाजिक संगठनों से सबसे अपील करता हूँ कि गरीब महिलाओं की मदद के लिए आगे आना चाहिए, कंबल का वितरण करना चाहिए, गर्म कपड़ों का वितरण करना चाहिए और सबकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। मेरी सभी से अपील है, प्रशासनिक अधिकारियों से अपील है, यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से अपील है कि ऐसी बढ़ती हुई ठंड में जरूरतमंदों के लिए आगे आना चाहिए। नर सेवा ही नारायण सेवा है, इससे बड़ा परोपकार, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। अगर आप किसी जरूरतमंद की जरूरत में काम आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं, सबसे बढ़िया बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ी ईश्वर की सेवा है, सबको इसके लिए आगे आना चाहिए। अंबेडकर स्टेडियम में मंडल स्तरीय एथलेटिक्स ट्रायल में खिलाड़ियों ने बहाया पसीना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में रविवार को मंडल स्तरीय एथलेटिक्स ट्रायल का आयोजन किया गया। ट्रायल में मुजफ्फरनगर, शामली व सहारनपुर के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हुए जमकर मैदान में पसीना बहाया। इस दौरान स्टेडियम के एथलेटिक्स कोच लाल धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आज के ट्रायल में चयनित होने वाले खिलाड़ी 6 व 7 जनवरी को प्रयागराज में आयोजित होने वाली पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। पंडित दीनदयाल एथलेटिक्स प्रतियोगिता जो 7-8 जनवरी को प्रयागराज में आयोजित होगी, उसके लिए मंडल का चयन किया जा रहा है, जिसमें अनेकों बालिकाएं और अनेकों बालकों ने प्रतिभाग किया है। ये टीम बनकर के 5 तारीख को इलाहाबाद के लिए रवाना होगी। इसमें निर्णायकों में रामशरण, पॉपिन और सचिन कुमार और भगत ने सहयोग किया है। अज्ञात शव मिलने से मची सनसनी। नकुर थाने के फनपुरी चौकी क्षेत्र के गांव बांधुखेड़ी के निकट सड़क किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर फनपुरी चौकी इंचार्ज इंद्रजीत सिंह ने टीम के साथ पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। चौकी इंचार्ज इंद्रजीत सिंह ने बताया कि मृत व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मीडिया कार्यशाला में महिलाओं पर बढ़ती हिंसा पर हुई चर्चा। स्टेशन रोड स्थित एक होटल में बढ़ती हुई महिला हिंसा पर मीडिया एवं स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका विषय पर एक दिवसीय जिला स्तरीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जयनाथ शर्मा, वरिष्ठ समाजसेवी ने भाग लिया। दिशा सामाजिक संगठन के संस्थापक के एन तिवारी ने कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। कि हमारे समाज में जो स्वरूप बदलता जा रहा है और उसमें कई तरह की विकृतियां पैदा हो रही है, कई तरह की विकृतियों की वजह से कई समाज के बीच में ऐसे तत्व पनप रहे हैं जो आगे चलकर के इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिसमें पोर्नोग्राफी है और शराब है और बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये चीजें बढ़ रही हैं। तो मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। शराबी युवक ने पुलिस कर्मियों के सामने जमकर मचाया हंगामा। ननोता में शराब के नशे में धुत एक युवक ने बड़गांव क्षेत्र में जमकर उत्पात मचाते हुए राहगीरों के साथ अभद्रता की। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने युवक का मेडिकल कराने के लिए अस्पताल भिजवाया, तो शराबी ने वहां भी जमकर नाटक कर डाला। पकड़े गए युवक का नाम मनोज पुत्र सुरेश निवासी बुड्ढाखेड़ा थाना चरथावल बताया जा रहा है। कड़ाके की ठंड में दोपहर बाद निकले सूर्य देव ने दी गर्माहट। रामपुर मनिहारन में कड़ाके की पड़ रही ठंड में दोपहर बाद निकले सूरज ने थोड़ी राहत दी। ठंड का आलम यह है कि लोग अपने घरों में दुबकने या गर्म कपड़ों में नजर आते हैं। ठंड के कारण बाजारों में भी वीरानी सी छाई हुई है, जिससे दुकानदार अलाव जलाकर हाथ सेकते नजर आ रहे हैं। सिटी वेब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे, और हमारी हर वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।